नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। ऐसे ही दो तीन दिन पहले किसी फ्रेश आर्किटेक्ट से बात हो रही थी, ये एज ए प्रैक्टिस ऑफ 2-3 ईयर्स। तो उसने मुझसे शेयर किया कि किसी हाउस को उसने डिज़ाइन किया था किसी क्लाइंट के लिए, और उसमें कुछ एक आधे बेडरूम में एक आधी बीम आ गई। तो थोड़ा सा क्लाइंट उनसे नाराज हो रहा था, अपसेट हो रहा था। ही वॉज नॉट हैप्पी कि ये बीम्स, ही सेड आई डोंट वॉन्ट ऑल दिस बीम्स इन द बेडरूम्स, इन साइड द बेडरूम। सब तो स्ट्रक्चर बन गया है दोस्तों, और बेडरूम भी की वॉल्स भी खड़ी हो गई हैं। तो फॉल सीलिंग के अलावा तो कोई ऑप्शन था नहीं उस आर्किटेक्ट को एडवाइस करने के लिए। तो मैंने उससे पूछा बेसिकली, क्या उसने स्ट्रक्चर ड्राइंग्स को थॉरली नहीं देखा था, प्रॉपरली नहीं देखा था? देन ही सेड कि शायद स्ट्रक्चरल पार्ट वीक है एंड ही इज डिपेंडेंट ऑन सम ऑफ द स्ट्रक्चरल कंसल्टेंट। तो मैंने सोचा दोस्तों, ये ऐसा एक टॉपिक है, क्यों ना इसको मैं एक वीडियो की फॉर्म में लाऊं आपके सामने, और हम ये देखें कि एजुकेशन सिस्टम में जो क्या प्रॉब्लम है कि स्टूडेंट्स जो आर्किटेक्चर के हैं उनका थोड़ा इंटरेस्ट इस सब्जेक्ट में कम होता है, स्ट्रक्चर्स में बीइंग ए इंजीनियरिंग सब्जेक्ट, और उनका एक फियर बना रहता है इस सब्जेक्ट के प्रति, और वो इस सब्जेक्ट को अवॉइड करते हैं, और नॉर्मली उनकी अटेंडेंस भी शॉर्ट्स होती हैं। अगर आप स्ट्रक्चर के सब्जेक्ट को देखिए तो उनका जो माइंड सेट होता है वो जस्ट होता है कि पासिंग मार्क्स मिल जाए, किस तरीके से सब्जेक्ट निपट जाए। तो इसमें एजुकेशन सिस्टम का भी एक रोल है, एजुकेटर का भी एक रोल है। तो हमें लगता है कि इस पर थोड़ा सा हम लोग को डिस्कशन करना चाहिए, और कोई ना कोई इसका क्या इसका कोई स्ट्रेटजी है, क्या कोई मैकेनिज्म है कि शायद ये हम इस सिस्टम में इम्प्रूव करें। क्योंकि प्रॉब्लम ये हुई, देखिए रूट कॉज तो वो एकेडमिक्स में है उसका, कि एकेडमिक्स में उसने ढंग से सब्जेक्ट को पढ़ा नहीं, या इंटरेस्ट नहीं लिया, या एजुकेटर इंटरेस्ट नहीं क्रिएट कर पाया, और उसके रिपरकशंस और उसके कॉन्सिक्वेंसेज जो हैं वो आ रहे हैं फाइनली प्रैक्टिस पे और प्रोफेशनल वर्क पे। तो एक ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आप बने रहिए मेरे साथ। हम शायद एंड्स में कुछ ऐसी चीज़ों को डिस्कस करेंगे जो स्टूडेंट्स के काम आएंगी और वर्किंग प्रोफेशन में उनके लिए भी काम आएंगी। तो आई एम प्रदीप करबंदा ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ सनकी डिज़ाइनर। दोस्तों, जो अगर हम थोड़ा बैक पे जाएं एजुकेशन सिस्टम में, तो ऐसा क्या है कि जो स्टूडेंट्स जो हैं सब्जेक्ट्स से थोड़ा उनको फियर होता है? तो सबसे पहला मुझे रीज़न लगता है दोस्तों कि एक ट्रेडिशन दिया जाता है जब नया नया स्टूडेंट जाता है फर्स्ट ईयर में फ्रॉम द सीनियर, की जो स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग सब्जेक्ट है या स्ट्रक्चर का जो सब्जेक्ट है वो थोड़ा मुश्किल है, डिफिकल्ट है, बिकॉज इट इन्वॉल्व्स लॉट ऑफ कैलकुलेशंस, एक साइंटिफिक कैलकुलेटर चाहिए, एक मोटी बुक्स होती हैं जिसमें ग्रामा मुथम की बुक बड़ी कॉमन है, और लॉट ऑफ एल्गोरिथम्स होती हैं, और इसमें काफ़ी थ्योरम्स वगैरह लगती हैं, एनालिसिस थोड़ा मुश्किल होता है। तो थोड़ा सा एक ट्रेडिशन चला जाता है जिससे स्टूडेंट्स इसमें सब्जेक्ट में कम इंटरेस्ट लेते हैं। दूसरा मुझे रीज़न ये लगता है कि क्योंकि शुरू से शायद एजुकेशन सिस्टम में उनको बताया जाता है कि इंजीनियरिंग का सब्जेक्ट है, दिस इज़ नॉट देयर डोमेन, वो इसमें इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, और अल्टीमेटली वो फॉर्म्स और उनका जो उनका फॉर्म्स पे ज़्यादा फोकस होता है, उनका आर्किटेक्चरल डिज़ाइन के सब्जेक्ट पे ज़्यादा फोकस होता है। इवन जो आर्किटेक्चर के जो स्टूडियो होते हैं जिसमें उनको कुछ डिज़ाइंस बनाने के लिए दिए जाते हैं आर्किटेक्चरल, जिसमें वो डिटेलिंग भी करते हैं, उसमें भी कॉलम्स की लोकेशन पे उनके ग्रिड पे फोकस नहीं किया जाता। तो ये प्रॉब्लम दोस्तों कंटिन्यूस एक बनी रहती है जो कि धीरे धीरे उनके सिस्टम में इनकल्केट हो जाती है। एक रीज़न मुझे ये भी लगता है कि एक सब्जेक्ट ऐसा है जिसमें मिनिएचर्स नहीं बनाए जाते हैं, प्रोटोटाइप्स नहीं बनाए जाते हैं, एंड बड़ा डिफिकल्ट होता है कि स्टूडेंट के लिए इसको एनविसेज कर पाना कि स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स क्या हैं, कॉलम क्या है, बीम क्या है, वॉल्ट क्या, और एक कैसे लोड लेती है, क्योंकि किसी भी फॉर्म को किसी भी स्ट्रक्चर को बिना उसके नहीं बनाया जाता। और इसकी नॉलेज इसलिए ज़रूरी है दोस्तों कि जब भी आप कभी किसी क्लाइंट के लिए डिज़ाइन करते हैं तो आपसे स्ट्रक्चर पर डिस्कशन करता है, वो कॉलम की लोकेशन पर डिस्कशन करता है, उसके साइजेस पर डिस्कशन करता है, और कुछ क्लाइंट्स तो रिइंफोर्समेंट के बारे में भी डिस्कशन करते हैं कि आपने इतना रिइंफोर्समेंट क्यों डाला है, ये फाउंडेशंस क्यों लिए। तो अगर आपके पास नॉलेज नहीं होगी, बेसिक आपको स्ट्रक्चर का आइडिया नहीं होगा, तो आप उससे क्या डिस्कशन करेंगे, और आप छोटी छोटी चीज़ों के लिए अपने स्ट्रक्चर कंसल्टेंट पे डिपेंडेंट हो जाएंगे, विच डजेंट साउंड गुड इन द फ्रंट ऑफ द क्लाइंट। तो मुझे लगता है कि हमें थोड़ा सा एजुकेशन सिस्टम में देखना पड़ेगा कि हम ऐसा क्या करें, एजुकेटर्स ऐसी क्या स्ट्रेटजी अपनाएं कि जब वो सब्जेक्ट को पढ़ाएं तो स्टूडेंट्स उसमें इंटरेस्ट लें, वो इंस्पायर हो करने के लिए। तो इसमें जो मुझे लगता है दोस्तों कि जो एजुकेटर है उसकी जिम्मेदारी बनती है कि वो स्टूडेंट्स को मोटिवेट करे, उनको बताए कि जो IS 456 या IS 800 जो कोर्स हैं दोज आर नॉट सो डिफिकल्ट, अगर उनको खोला जाएगा तो सिंपल क्लासेज हैं जिसमें ये कुछ क्राइटेरिया बताते हैं कि स्ट्रक्चरल को डिज़ाइन करते समय किन किन पैरामीटर्स का ध्यान रखना है, मिनिमम कितना रिइंफोर्समेंट, साइज मिनिमम क्या लेना है, और जो लिंक्स हैं या स्टिरअप्स हैं उनकी स्पेसिंग क्या होगी। इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, अगर ये एजुकेटर उनका इंटरेस्ट क्रिएट कर लेता है देन दिस इज पॉसिबल। और मुझे लगता है दोस्तों एजुकेटर्स एजुकेशन सिस्टम में या आर्किटेक्चर इंस्टीट्यूशन में नॉर्मली ये सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है सिविल इंजीनियर्स के द्वारा।
तो सिविल इंजीनियर्स क्या करते हैं, टिपिकल अपने स्टाइल से पढ़ाते हैं, वो आर्किटेक्ट के मेंटल लेवल पे नहीं आ पाते और अपनी मोटी सी बुक खोल के दे स्टार्ट इन ए ट्रेडिशनल वे, कैलकुलेशंस चालू कर दिया, एनालिसिस चालू कर दिया, स्टूडेंट समझ नहीं पाते। और जब उनको बेसिक फंडामेंटल सी फोर्सेस से क्लियर नहीं होते कि कहाँ एक्शन लगेगा, कहाँ रिएक्शन लगेगा, और ये अगर लोड स्ट्रक्चर पे अगर इम्पोज्ड होगा तो इसके क्या इम्पैक्ट आएंगे, इसके इनके जो है हाउ ये स्ट्रक्चर कैसे लोड ट्रांसफर होगा फ्रॉम वन एलिमेंट टू अदर एलिमेंट, तो मुझे लगता है कि एजुकेटर्स को भी इसमें कोई ना कोई स्ट्रेटजी अडॉप्ट करनी चाहिए कि वो आर्किटेक्ट के इस लेवल पर आकर उन्हें समझाए सो दैट उन्हें सब्जेक्ट समझ में आ जाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि ये सब्जेक्ट ने मैंने देखा है, क्योंकि मेरा भी थोड़ा सा एकेडमिक्स का अनुभव रहा और मैं यही सब्जेक्ट पढ़ाता रहा हूँ, तो यहाँ पर आर्किटेक्ट के एक लेवल पे मेंटल लेवल पर आकर उसको समझाना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि उसका फोकस नहीं होता इस सब्जेक्ट पे, उसको ऐसा बताया जाता है। और मुझे इसमें ये लगता है दोस्तों कि अगर छोटी छोटी अगर माइक्रो वीडियोस बना करके स्टूडेंट को समझाया जाए कि ये कॉलम्स हैं, ये बीम है, इस तरीके से स्ट्रक्चर का लोड ट्रांसफर हो रहा है और ये इस तरीके से अल्टीमेटली दिस कम्स टू द फाउंडेशन एंड फाउंडेशन पे सबसॉइल पे चला जाता है, तो शायद अंडरस्टैंडिंग बहुत क्लियर हो जाएगी उसकी। तो यहाँ एजुकेटर्स का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है कि उनको मोटिवेट रखे, और स्टूडेंट्स की भी बहुत जिम्मेदारी है कि वो आर्किटेक्चरल सिस्टम्स को, आर्किटेक्चरल एलिमेंट को राइट फ्रॉम द बिगनिंग समझने की कोशिश करे सो दैट कि इस क्लाइंट को वो कैटर कर सके। क्योंकि इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम कब आती है दोस्तों, अगर आप किसी बड़े सेटअप में काम कर रहे हैं, बड़े ऑफिस में काम कर रहे हैं जहाँ पे आपका स्ट्रक्चरल इंजीनियर इज अ पार्ट ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन, तो वहाँ आप डिस्कशंस करते हैं तो आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं, कॉलम का ऑरिएंटेशन क्लियर हो जाता है, वो अपने व्यूज देता है, आप आर्किटेक्चरल प्लान पे सुप्रीम पोज करते हैं, उन चीज़ों को स्टडी करते हैं। बट छोटे ऑफिस में क्या होता है कि आर्किटेक्चरल कंसल्टेंट डिफरेंट होता है, उसका डिफरेंट सेटअप होता है, आप बहुत सारी चीज़ें समझ नहीं पाते, उसने कोई ड्राइंग भेजी तो आप ये समझ नहीं पाते कि बीम्स कहाँ जा रही, उसने क्या सिस्टम्स लिए, वहाँ लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन हो जाता है, लैक ऑफ कम्युनिकेशन हो जाता है। अगर आपको सब्जेक्ट की अच्छी नॉलेज है तो आप स्ट्रक्चर इंजीनियर को भी गाइड कर सकते हैं कि मुझे कॉलम ऐसे चाहिए, स्पान ये चाहिए, मुझे यहाँ कॉलम नहीं चाहिए, मुझे यहाँ पर दीवार के बाहर कॉलम नहीं चाहिए। क्योंकि धीरे धीरे जो होता है ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, और क्लाइंट्स के लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है कि उसको ये लगता है कि जब हमारी बिल्डिंग बन जाएगी तो ये जो स्ट्रक्चरल एलिमेंट हैं, बीम है, कॉलम है, ये हमारी दीवारों से बाहर आएंगे या हमारे जो बेसिकली आर्किटेक्चरल है उसको ख़राब करेंगे। तो यहाँ आपको जो है इस चीज़ की बहुत अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, स्ट्रक्चरल सिस्टम की बहुत अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। अगर आपके पास नॉलेज होगी तो अपने क्लाइंट को आप कन्विंस कर लेंगे और उसे अच्छी गाइडेंस दे पाएंगे। तो एजुकेटर के सामने एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि वो ऐसी स्ट्रेटजी बनाए कि जो आर्किटेक्चरल स्टूडेंट्स हैं उनका इसमें इंटरेस्ट बना रहे, वो क्लासेस में आएँ, अटेंड करें, और जो आर्किटेक्चरल के स्टूडियो हों उसमें भी उनको वी शुड मोटिवेट दैम, इंस्पायर दैम कि उसमें भी वो कॉलम्स को रखें, ग्रिड प्लान करें। जो छोटे स्ट्रक्चर हैं उसमें तो फिर भी चलिए थोड़ा इजी होता है, जो लॉन्ग स्पान स्ट्रक्चर्स हैं, बड़े बड़े जो स्टेडियम्स हैं, जो बड़े बड़े वेयर हाउसेज हैं, वहाँ इनका इंपॉर्टेंस और बढ़ जाता है क्योंकि वहाँ लंबे स्पान्स होते हैं, आपको कॉलम्स का ओरिएंटेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो मुझे लगता है कि दोस्तों ये एक बहुत ही एक क्रूशियल टॉपिक है, अगर हम इसको रूस कास्ट पे थोड़ा ठीक कर लेंगे, एकेडमिक्स में थोड़ा ठीक कर लेंगे, तो आगे जो स्टूडेंट्स हैं, जो बडिंग आर्किटेक्ट्स हैं, उनके लिए प्रॉब्लम नहीं होगी, एंड एज एजुकेटर वी कैन ब्लो अप देयर फियर्स इन देयर माइंड फ्रॉम देयर माइंड। और अगर ये उनके सिस्टम में इनकलकेट हो जाएगा कि वो स्ट्रक्चरल सिस्टम को स्ट्रक्चर के डिज़ाइन के समय, आर्किटेक्चरल डिज़ाइन के समय उसकी फॉर्म्स को भी वर्कआउट कर लें, तो शायद ये बहुत इजी हो जाएगा और वो स्ट्रक्चर के साथ जस्टिस कर पाएंगे, एंड दे विल बी मोर कॉन्फिडेंट व्हेन दे टॉक टू हिज क्लाइंट। क्योंकि इसमें दोस्तों बहुत सारी बातें आती हैं, मैं आपको एक अनुभव बताता हूँ। जब मैं अपनी पहली बिल्डिंग बना रहा था तो मैं प्लिंथ बीम डलवा रहा था, तो किसी पड़ोस के एक CPWD के इंजीनियर ने आके बोला कि आप प्लिंथ बीम क्यों डाल रहे हैं, इसकी तो कोई जरूरत ही नहीं, इससे वेस्टेज ऑफ टाइम, आपका आर्किटेक्ट बहुत वेस्टेज करा रहा है। देन आई हैड ए कॉन्फिडेंस, तो मेरे क्लाइंट ने मुझसे डिस्कस किया कि वो PWD के इंजीनियर आए थे, उन्होंने कहा कि आप ये बीमे क्यों डलवा रहे हैं, इसका कोई यूज़ नहीं है। मैंने उनको समझाया दोस्तों कि इसकी क्या जरूरत है, कैसे हम इसको यूज़ कर पाएंगे। देन फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली 4 दिन बाद एक छोटा सा अर्थक्वेक का झटका आ गया, तो उसमें जो है अब उनको भी समझ में आया, जब उनको किसी ने बताया कि प्लिंथ बीमे जो हैं इसको प्रोटेक्ट करती हैं और एक अच्छी रिजिडिटी देती हैं बिल्डिंग को। तो कहीं ना कहीं अगर आपको नॉलेज है तो आप अपने क्लाइंट को कन्विंस कर लेंगे, देन ही विल बी मोर हैप्पी विद यू, और आपकी जो स्ट्रक्चरल इंजीनियर है उससे डिपेंडेंसी कम हो पाएगी, आप उसको गाइड कर पाएंगे कि स्ट्रक्चर को कैसे बनाना है और आपको एग्जैक्टली एज एन आर्किटेक्ट क्या चाहिए। तो हमें लगता है कि हमको इसको जो है एकेडमिक से इसको जो है स्ट्रॉन्ग करना होगा स्टूडेंट्स को, और एजुकेटर्स की भी जिम्मेदारी है क्योंकि ऐसा सिस्टम वर्कआउट करें, कोई ऐसी चीज़ वर्कआउट करें कि सो दैट स्टूडेंट्स क्लास में आएँ, इस सब्जेक्ट को समझें, और ये हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम इसको अच्छे तरीके से करके स्टूडेंट्स को इसकी प्रॉपर नॉलेज दें सो दैट उनको आर्किटेक्चर स्टूडियो में भी जो है इनको इस्तेमाल करने का
कैसे इस्तेमाल करना है उसको एक क्लियरिटी आ जाए। और अगर आपको लगता है कि ये वीडियो थोड़ा अच्छी है और ये स्टूडेंट्स के भी लायक है और जो प्रोफेशनल आर्किटेक्ट है उनकी भी ज़रूरत है, बिकॉज स्ट्रक्चरल सिस्टम सभी की ज़रूरत है जब हम किसी भी फॉर्म को डिज़ाइन करते हैं, बिना स्ट्रक्चरल सिस्टम के कोई भी बिल्डिंग स्टे नहीं कर सकती, तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच।